लक्ष्मी पूजा के अवसर पर 3 दिवसीय लक्ष्मी नाटक कला कंचनपुर मंच पर कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। गुरुवार की रात्रि 8 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन एरोरा पंचायत के मुखिया निरंजन कुमार साव और पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी रामानुज यादव और अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी रामानुज यादव ने बताया कि जिस प्रकार से समाज में अश्लीलता परोसा जा रहा है, उससे हम सभी को बचाने की आवश्यकता है। हमारा सभ्य समाज सभ्य है और सभ्य समाज में अपनी पारंपरिक सभ्यता को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि इस गांव में 1966 से आज तक लगातार नाटक मंचन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे गांव में ही लोग सभी तरह के पात्र करते हैं। मुखिया निरंजन कुमार साहू ने बताया कि गांव के बुजुर्ग अपनी सभ्यता को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। नाटक मंचन से जिस प्रकार से लोगों में जिज्ञासा आज भी जिंदा है, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि नाटक मंचन से खास करके युवा वर्ग में एक अलग संदेश जाता है, जिससे सामाजिक सभ्यता बरकरार रहती है। कमेटी के सदस्य धनंजय कुमार यादव और आनंद कुमार यादव ने बताया कि पहले दिन नाटक के रूप में पैसा का लोभ विषय पर नाटक मंचन किया जा रहा है, जबकि दूसरे दिन नौटंकी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज में बढ़ते कुरीतियों पर प्रकाश डाला जाएगा। तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन दिन में ही आयोजित की जाएगी और कंचनपुर में पूरे दिन मेला लगाया जाएगा, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव के लोग इस मेले में शिरकत करने पहुंचेंगे। इस कमेटी के सदस्य उपेंद्र पासवान, शंकर साव, बैजनाथ गुप्ता, रामराज यादव, राम अवतार यादव, अवधेश पासवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इधर देव थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि पर्व को लेकर शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए क्षेत्र में लगातार गश्ती जारी है।